बटाला में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अकाली दल और भाजपा सरकार के खिलाफ रोष मार्च करते हुए मुकेश चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में अन्य स्थानीय कांग्रेस नेताओं के अलावा मुख्य तौर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी अश्विनी सेकरी की शमूलियत खास रही। वहीं अश्विनी सेकरी कहना था कि उनके सहित सभी कांग्रेसी विधायकों की तरफ से SYL नहर के मुद्दे पर फैसला आने के बाद इस्तीफे दे दिए गए हैं और अब पंजाब के पानी की रक्षा के लिए हर संघर्ष करने के लिए वे तैयार हैं। वहीं उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले प्रकाश सिंह बादल ने ऐलान किया था कि अगर मान योग दल का फैसला पंजाब के विपरीत आएगा तो वह इस्तीफे देंगे, लेकिन अभी तक बादल मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। वहीं प्रदर्शन करे कांग्रेस की तरफ से अकाली दल नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बादल सरकार का पुतला भी फूंका गया। अज पंजाब 117 विधानसभा हल्के अच बादल सरकार के पुतले फूके गए हैं और बटाले च भी बहुत वड्डा प्रदर्शन होया और पुतला फूकया गया, इसलिए कि बादल सरकार जी है पंजाब के पानी की रक्षा नहीं कर सकी। जड़ा कानून कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2004 बनाया सीगा पंजाब सरकार से यूनानीमस रेजोल्यूशन विधानसभा होया सीगा, उस कानून की रक्षा जी है उसकी प्रोटेक्शन जी है बादल सरकार कर फेल हुई है और अज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उन्हें पंजाब का भविख जोड़ा वा अंधकारमय कर दिता। पंजाब जी एक बूंद भी पानी स्पेयर नहीं है जी कि किसी होर प्रदेश में दी जा सके। पंजाब की एक एक बूंद की रक्षा जी पानी की कांग्रेस सरकार कांग्रेस की जी पार्टी है वह करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना इस्तीफा दे दिता पार्लियामेंट के और 42 जोड़े साढ़े विधायक ने MLA ने उन्होंने पंजाब विधानसभा चो इस्तीफा दे दिता। पानी की जी रक्षा नहीं कर सकी सरकार असी विरोध करते हैं और यह प्रण भी किया कांग्रेस पार्टी ने कि असी पूरा संघर्ष करांगे पंजाब का पानी पंजाब तो बाहर नहीं जान देना। देखो बादल साहब जड़े ने अगर संजीदा होते उन्होंने पहले अनाउंस किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पानिया की रक्षा लिए पंजाब के हक नहीं आता तो सरकार इस्तीफा दे देगी। अज बादल साहब कुर्सी में चुपके हुए ने पर कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दे दिता। बादल साहब अपना अंतरात्मा के हाथ रख के देख कि क्या वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ी भी शर्म बाकी है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी हमने इस्तीफा दे और पूरा पंजाब इकट्ठा होकर इसका विरोध करे। कांग्रेस पार्टी विरोध से अगे निकल आई है हम अकाली दल को पिछे लग के दाल चलना पेगा और विरोध करना पेगा इस चीज़ का।